Hey everyone, welcome back to my channel Art Cocktail. मैं हूँ निशा, आपकी होस्ट. Guys, पूरा साल बीत चुका है और बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं. अब इनकी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं. इनको एंगेज रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है. तो मैं ट्राई करूँगी, मैं ऐसे वीडियोस डालूँ ताकि आप अपने बच्चों को एंगेज रख सकें. तो शुरुआत करते हैं इनके बैग के साथ में. इनके बैग में हमें काफी सारे टूटे फूटे क्रेयॉन्स मिले हैं जो कि इन्होंने पूरे साल यूज किया है और अब इनके लिए फेंकने वाले हो गए हैं क्योंकि अब नए साल में नए क्रेयॉन्स मिलेंगे इन्हें. लेकिन अभी गर्मी की छुट्टियां बाकी हैं तो इन्हें एंगेज कैसे रखें. तो मैं इन टूटे फूटे क्रेयॉन्स से नए क्रेयॉन्स बनाऊंगी और इन्हें एंगेज रखने की कोशिश करूंगी. तो आइए मेरी वीडियो में और मैं आपके साथ पूरा प्रोसीजर शेयर करूंगी कि मैं पुराने क्रेयॉन्स के साथ में नए क्रेयॉन्स कैसे बनाऊंगी. और मैं होप करूंगी कि बच्चे भी आपके साथ उतने देर बने रहें ताकि उन्हें एंगेजमेंट मिल जाए. चलिए आइए अपनी वीडियो में और स्टार्ट करते हैं. ये है वो टूटे फूटे से क्रेयॉन्स जिसे कि मैं रीमोल्ड करूंगी. इन्हें रीमोल्ड करने के लिए मैं सिलिकॉन के मोल्ड्स यूज करूंगी. कुछ इस टाइप्स के मोल्ड्स हैं मेरे पास. मैं क्रेयॉन्स को तोड़ती जाऊंगी और इन्हें मोल्ड में भरती जाऊंगी. आप चाहें तो एक कलर के बना सकते हैं, चाहें तो मल्टी कलर के बना सकते हैं. इस तरीके से अच्छे तरीके से इन्हें चॉप करके मोल्ड में भरते जाना है. काम करने को करने में बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं. इस तरीके से मैंने पूरे मोल्ड्स को फिल कर दिया है. अब मैं इन्हें माइक्रोवेव में डालूंगी. माइक्रोवेव में मैं इन्हें 4 मिनट्स तक माइक्रोवेव करूंगी. और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप स्पून में एक एक कलर डाल के गरम करके मोल्ड में फिल कर सकते हैं. अब ये कुछ इस तरीके से लगेंगे. इन्हें मैंने ड्राई होने के लिए 4 घंटे के करीब में छोड़ दिया था. अभी अच्छे से ड्राई हो गया, सेट हो गए हैं. अब मैं इसे डीमोल्ड करूंगी. डीमोल्ड करने के बाद ये कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं. बच्चे इन्हें देख करके और नई नई ड्राइंग बनाने के लिए, नई नई ड्राइंग्स में कलरिंग करने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे. होप आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आप सभी ने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. मैं चाहती हूँ आप सभी भी इसको ट्राई करें और ट्राई करके मेरे साथ में शेयर करें. मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे टैग करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. आप अपनी आर्टवर्क मेरे साथ टैग कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.